स्नैपचैट को 3,371 करोड़ का हुआ नुकसान, कंपनी करेगी कर्मचारियों की संख्या में कमी। मोटो G62 स्मार्टफोन 11 अगस्त को होगा भारतीय बाजार में लॉन्च, सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। Xiaomi का स्मार्ट एयर फ्रायर भारत में होगा लॉन्च, बेहद कम तेल में बिना धुएं के खाने को आसानी से बनाया जा सकता है। सोनी के लिंक बर्ड्स भारत में लॉन्च, 17.5 घंटे का बैटरी बैकअप, एडवांस वॉइस सिग्नल प्रोसेसिंग वाला फीचर भी मिलेगा। Amazon ग्रेट फेस्टिवल फ्रीडम फेस्टिवल में लेनोवो के न्यू लॉन्च टैबलेट पर सबसे शानदार डील मिल रही है, ऑफर में टैबलेट 15,000 रुपए से भी कम में खरीदा जा सकता है। WhatsApp ने किया 3 नए प्राइवेसी फीचर्स लाने का ऐलान, गुपचुप तरीके से ग्रुप छोड़ सकेंगे, ऑनलाइन दिखने पर भी मिलेगा विकल्प। डिफॉल्टर्स को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए सरकार का एयरलाइंस को आदेश, एयरलाइंस को अब इंटरनेशनल यात्रियों का PNR शेयर करना होगा। शेयर बाजार में EPFO के निवेश को मिले हैं जबरदस्त रिटर्न, शेयर बाजार में EPFO का 1,59,000 करोड़ रुपए का निवेश बढ़कर हुआ 2,26,000 करोड़। एयरटेल इसी महीने में करेगी 5G मोबाइल सर्विसेज लॉन्च, 2024 तक देश का हर शहर होगा कवर, 5,000 शहरों के लिए योजना बनाई गई है। HDFC का होम लोन हुआ महंगा, बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट होम लोन की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। सोने चांदी के भाव में मामूली बढ़त, 999 कैरेट वाला सोना 52,200 रुपए के आसपास, तो चांदी 58,000 रुपए के भाव तक पहुंची। बिहार में बड़ा उलटफेर, फिर बनेगी नीतीश सरकार, 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी बोली हमारे साथ धोखा हुआ है, शपथ ग्रहण से पहले पूरे बिहार में महाधरने का ऐलान, सुबह 11 बजे सभी बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी यादव बन सकते हैं डिप्टी CM, दोपहर 2 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शरद यादव ने कहा नीतीश के साथ उपमुख्यमंत्री और स्पीकर दोनों RJD को देने का समझौता हुआ है, शरद यादव ने नीतीश को 2024 में PM पद के लिए भरोसेमंद चेहरा बताया। तेज प्रताप यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए, ABP न्यूज से कहा जो मंत्रालय मिलेगा हम ले लेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश की महत्वाकांक्षा जागी है, नीतीश अपनी नाकामी बीजेपी पर थोप रहे हैं, जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा बीजेपी ने नीतीश को कमजोर नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ाया है, कम सीट आने पर भी नीतीश को CM बनाया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, नीतीश को बताया धोखेबाज। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी साधा निशाना, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाकर चीन, रूस, तुर्की, वियतनाम और उत्तर कोरिया की तरह एक पार्टी की सरकार से लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस का हमला, कहा बीजेपी की हड़प नीति की वजह से NDA में कोई भी क्षेत्रीय दल सुरक्षित नहीं है। बिहार में NDA के टूटने पर ABP न्यूज का त्वरित सर्वे, 56% लोगों ने कहा नीतीश का RJD से हाथ मिलाने का फैसला गलत। मुंबई में शिंदे कैबिनेट की आज पहली बैठक, बैठक से पहले विभागों का बंटवारा संभव, कल 18 मंत्रियों ने ली थी शपथ। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे, करीब 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा इस प्लांट में। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरा, अहमदाबाद में एक और गारंटी का करेंगे ऐलान। गोवा में आज 186 पंचायत निकायों के लिए मतदान, 5,000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं मैदान में। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल, नोएडा पुलिस ने नहीं मांगी श्रीकांत की रिमांड। पहली बार कैमरे पर बोला श्रीकांत त्यागी, घटना पर जताया दुख, कहा मुझे अफसोस है, अपनी जान को बताया खतरा। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जमीयत ने दी है चुनौती। सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेज निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, विशेष कोर्ट बनाने की मांग। MP के CM शिवराज सिंह चौहान बीजेपी युवा मोर्चा की तिरंगा बाइक यात्रा में शामिल होंगे, अपने घर से शौर्य स्मारक तक जाएंगे।
आज से सेना की अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली शुरू होगी। ये रैलियां जालंधर और बेंगलुरु में स्थानीय स्तर पर सेना की रिक्रूटमेंट ऑफिस करेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 घंटे की तेज बारिश से हुआ बुरा हाल, शहर हुआ जलमग्न, कई इलाकों में पानी भरा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश के बाद जल प्रलय, जोखिम में कई लोगों की जान, लापरवाही बरतते दिखे कई लोग। छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश के आसार, पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक ट्रक सिंदूरी नदी में बह गया, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर का बमुश्किल रेस्क्यू किया गया, ट्रक अब भी डूबा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश से नदियां उफान पर हैं, पुल के ऊपर बह रहा है पानी, ग्रामीणों को बाढ़ से लेकर दहशत में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में हाथी पर्वत पर जबरदस्त लैंडस्लाइड, पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच गया। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ जैसे हालात, लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, गाड़ियां डूबी नजर आई। केरल के कोची में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति, कई इलाके डूबे, बाढ़ के पानी में समाया मंदिर। केरल के एर्नाकुलम में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, इडमायर डैम के गेट खोले गए, निचले इलाकों में बाढ़ का डर। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, कोंकण, विदर्भ, उत्तर मध्य महाराष्ट्र में जारी किया गया रेड अलर्ट। ओडिशा में भारी बारिश के बाद जलमग्न हुए कई गांव, बारगढ़, संबलपुर, अंगुल और केंदुझर जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब के कपूरथला में सीवेज में गिरा बच्चा, बच्चे को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन, बच्चे की तलाश के लिए आर्मी की भी मदद ली जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ताजिया मिलन के दौरान 2 पक्षों में पथराव, पुलिस समेत कई लोग घायल हुए, हालात काबू में। बिहार के हाजीपुर में ताजिया जुलूस में हाई वोल्टेज लाइन से टकराया डीजे, 7 लोग झुलसे, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के मेरठ में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या में दामाद का हाथ, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लूट का सामान भी बरामद किया गया। यूपी के आजमगढ़ से आईएसआईएस का संदिग्ध सबाउद्दीन गिरफ्तार, युवाओं का ब्रेन वॉश करने का आरोप, हथियार और बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निगम की निर्माणाधीन टंकी की शटरिंग गिरने से 21 मजदूर दबे, सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनमें से 6 की हालत फिलहाल गंभीर है। भोपाल में बलात्कार के आरोपी मिर्ची बाबा को भेजा गया जेल, 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है बाबा। दिल्ली एम्स ने मजदूर के हाथ को वापस जोड़ा, 3 साल तक चला ऑपरेशन, हाथ ठीक करने के लिए पहले पैर से जोड़ा गया था हाथ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में करंट लगने से बच्ची की मौत, कीचड़ में फिसलने से हाथ खुले तार से टकराने पर बच्ची झुलस गई। मुंबई में हुआ बस हादसा, बेकाबू बेस्ट की बस ने खड़े टेम्पो पर मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए, सीसीटीवी में कैद हुआ यह हादसा। वाराणसी में बुलडोजर बाबा राखी की धूम, भाई भाइयों के लिए बहनों की पहली पसंद बन रही है बुलडोजर बाबा वाली राखियां। पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर जहां इस बार अपने हाथ से बनी राखी बांधेंगी, पिछले 27 साल से कमर पीएम मोदी को राखी बांध रही। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।